बांस गांव संदेश दैनिक अखबार के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रतिनिधियों की आवश्यकता है जो न्यूज़पेपर, वेबसाइट एवं यूट्यूब के लिए काम कर सकते हैं। संपर्क करें 9889802580 पर। चोरी के सामान के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक गगहा के नेतृत्व में उप निरीक्षक सर्वेश कुमार मय हमराही के नेतृत्व में संबंधित वांछित अभियुक्त सोहित कुमार पुत्र धर्मदेव निवासी ग्राम हरिकोरा थाना गगहा जनपद गोरखपुर को चोरी के 1023 रूपए 23 पुड़िया कमला पसंद गुटखा, 20 पुड़िया तंबाकू कमला पसंद, 10 पुड़िया बिमल गुटखा व 25 तंबाकू पुड़िया बिमल के साथ गामा यादव का भट्टा बहद ग्राम रामनगर से गिरफ्तार किया गया। स्तरीय ग्रामीण खुले खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने किया अपने प्रतिभा का प्रदर्शन। गोरा गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र के विकास खंड रुआ में स्थित राम रेखा सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज के क्रीड़ा स्थल पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन भाजयुमो के जिला अध्यक्ष नीरज दुबे ने फीता काट कर किया। प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में सिकंदर प्रथम व समीन द्वितीय व रवि यादव तृतीय स्थान पर रहे, तो वहीं 800 मीटर दौड़ में अखिलेश प्रथम व द्वितीय स्थान पर अमित यादव रहे। 1600 मीटर दौड़ में प्रवीण कुमार प्रथम, संजय गुप्ता द्वितीय स्थान पर रहे। गाँव में भी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन प्रोत्साहन की जरूरत होती है और वो प्रोत्साहन सरकार के देने का कारण है। आप उत्तर प्रदेश की सूची निकाल करके देख लीजिए, आज जो लड़का एक नंबर पे किसी जिले में आया होगा वो शहरी क्षेत्र का नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा है जो शहरी क्षेत्र को भी दबाने का। जानकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भंडारे का हुआ आयोजन। कौड़ीराम गोरखपुर क्षेत्र के 132-133 केवी पावर हाउस में बने नवनिर्मित मंदिर में राम जानकी मूर्ति की प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हो गया। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व अखंड रामायण पाठ व कलश यात्रा भी निकाला गया। सावन मास के पवित्र महीने में वैसे ही श्रद्धालु पूजन अर्चन विशेष तौर पर करते हैं, उसी क्रम में प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। संपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य आयोजक ओपी यादव रविन्द्र नाथ राय अविनाश कुमार ने बताया कि नवनिर्मित मंदिर एवं राम जानकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को सफल बनाने के लिए पावर हाउस के समस्त स्टाफ के साथ क्षेत्र के संभ्रांतों का पूर्ण सहयोग रहा। राम दरबार बनने के बाद लोगों की आस्था यहां बहुत जुड़ी हुई है, जो कि 132 के बी पावर हाउस कौड़ीराम के कैंपस परिसर में है और पंचपल्लव पेड़ भी है। पुराने हनुमान जी की एक मंदिर थी जो जीर्ण शीर्ण हो गया था, जिनको एक नए स्थान दिया गया, प्लस ये श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का एक राम दरबार बनाया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों की यहाँ पे बहुत भावनाएँ जुड़ी हुई है, बाहर के लोग भी पूजा याचना करने आते हैं और अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा है। अच्छी सी पूजा कर नकदी के साथ 3 नफर अभियुक्त गिरफ्तार। गोला के नेतृत्व में उप निरीक्षक शैलेश सिंह यादव में हमराही कर्मचारी के मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ी पुल थाना क्षेत्र गोला के पास से संतोष पुत्र चंद्रकेश निवासी ग्राम खिरकिटा दुबे मटियरिया थाना गोला जनपद गोरखपुर, संजय तिवारी पुत्र स्वर्गीय रामाज्ञा तिवारी निवासी ग्राम गाजेगढ़ा थाना गोला जनपद गोरखपुर, राकेश कुमार पुत्र हरिओम निवासी गाजेगढ़ा थाना गोला जनपद गोरखपुर को पुलिस हिरासत में लिया गया। जोर तोल की राजनीति आज की राजनीति का हिस्सा है। बांसगांव तहसील क्षेत्र में लोगों से बातचीत करने पे पता चला कि जोर तोल की राजनीति राजनीति का हिस्सा है। एक पार्टी से छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना आना ये परंपरा बन गई है, चाहे वो किसी भी पार्टी की। अखिलेश के सरकार में राजभर को लेके जो खींचातानी चल रही है, हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी भी भारतीय किसान, छात्र या किसी भी राजनीतिक या किसी भी व्यक्ति को समय देना चाहिए। जोर तोर की राजनीति आज के समय में भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा है। कहीं से टूट के, कहीं से छूट के लोग समाजवादी में गए, समाजवादी के लोग टूट के दूसरे दल में गए, और फिर अगर उन लोगों में टूटन हो रहा है, बिखराव हो रहा है, तो हमको नहीं लगता यह झगड़े का कारण होना। जोर तोल की राजनीति आज की राजनीति का हिस्सा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से फेल। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शौचालयों की स्थिति बद से बदतर हो गई है।
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आप देखने से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई की कितनी अच्छी व्यवस्था दिख रही है आपको। हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यहाँ तक कि उप जिलाधिकारी ने भी औचक निरीक्षण कर सलाह दिया था, परंतु साफ सफाई का अभाव देखने को मिला। दरवाजे टूटे हुए हैं, हर जगह पे अव्यवस्था दुर्व्यवस्था फैली हुई है। टॉयलेट का कुछ जरूरत, टॉयलेट में पानी सप्लाई थोड़ा सा ब्लॉक हो गई, पानी चढ़ नहीं रहा था किसी ऊपर, इसलिए पानी सप्लाई हो नहीं पा रही है। तो उसको भी आज मिस्त्री बुलवाए हैं, देखते हैं उसमें क्या हो पाता है। सारी पाइपलाइन जो पुरानी है वो सब जो है जंग खा गई है, जाम हो गई है, उसी कारण से पानी आ नहीं पा रहा है। तो मेरे से पूरे हॉस्पिटल का पाइपलाइन बदलवाना पड़ेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य बाजार में सफाई व्यवस्था, लगातार बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत लगातार बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों में काफी हर्ष है। किसान बता रहे हैं कि बारिश होने से काफी लाभ है, उनकी धान की फसल बुआई और धान में पानी चलाने के लिए उनको कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। बढ़े हुए डीजल के दामों से जहां उनको भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था, वहीं पर अब पानी चलवाने के लिए कोई मसौवत कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। हर जगह ठेकों में पानी लगा हुआ, जिससे किसानों को काफी बारिश से तो बहुत लाभ मिला है। बारिश से जान लीजिए कि जिस तरह से उनकी फसल जो गायब हो रही थी वो पुनः जीवित हो गई है, और काफी किसानों में खुशी की लहर है। लगातार बारिश होने से किसानों की